हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन प्लेस ब्लॉग में। तो अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो क्या बनाए घर पे रोज़ रोज़। तो आज मैंने पराठे कुछ नए तरीके से बनाए, तो आप लोग भी देख लेना। अगर पसंद आए तो ज़रूर अपने घर पे ट्राई करना, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर देना। न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये पराठे तो हम रोज़ में बनाते ही है, सादा पराठे, ये आलू के पराठे नहीं है। तो किस तरीके से मैंने बनाए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गई हूँ मेरी किचन में। अभी हो रहे हैं, बज रहे हैं सुबह के 8। तो मैं तैयारी कर रही हूँ सुबह नाश्ते की। तो अभी मैं धनिया काट लेती हूँ, धनिया और मिर्ची के पराठे बनाने वाली हूँ। तो धनिया थोड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा डाला है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कोई भी चीज़ ज़्यादा मिल नहीं रही है, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े चीज़ इस्तेमाल करी है। तो सिर्फ थोड़े पराठे बनाए थे, तो दो छोटी छोटी मिर्ची ली थी, दो तीन हरी, क्योंकि वो पतली वाली मिर्ची होती है वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, इसलिए मैंने दो ही मिर्ची ली है और थोड़े से धनिया लिए। ज़्यादा होते तो ज़्यादा लेते, बट अभी थे नहीं तो थोड़े से काम चलाया। और मैंने लिया है गेहूं का आटा, और उसमें थोड़ा सा बेसन डाला, और उसमें मसाले डाले हमारे, धनिया पाउडर हुआ, लाल मिर्ची हुई, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया है। और उसके बाद जो हमने मिर्ची और धनिया काट के रखा था उसको धो लेती हूँ मैं अच्छे से, और उसके बाद वो भी इसमें डाल देती हूँ। अब हम अच्छे से इसका आटा गूंदेंगे, अच्छे से इसका आटा लगाएंगे हम। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना कमेंट करके। और वैसे भी लॉकडाउन में क्या चीज़ बनाएं, क्योंकि बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मिल नहीं रही है अभी, तो जो घर में है उसी से गुजारा चला रहे हैं। और एक चीज़ खा खा के बोर भी हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी नए तरीके से ट्राई किया है बस, और कुछ नहीं। तो फटाफट से आटा लगा लेती हूँ मेरा। और आज मेरे हस्बैंड का तो है व्रत, तो उनके लिए भी मैंने दोपहर में जो व्रत वाले आलू होते हैं वो बनाए थे, और उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो देख लेना, मन करे देखने का। तो मैं आटा लगा लेती हूँ जल्दी से, फिर बनाने स्टार्ट करेंगे हम पराठे। और आप लोगों के यहाँ का क्या हाल चाल है ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ का तो बहुत बुरा हाल चाल है, अभी कोई भी सामान नहीं मिल रहा है। तो आटा हमारा हो गया रेडी, तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे हमारे पराठे। तो मैं पहले अच्छे से कैमरे को थोड़ा सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो हो गया मेरा कैमरा सेट अच्छे से। तो मुझे चाय भी बनाना है साथ में, मतलब सुबह का नाश्ता बना रही हूँ तो चाय और पराठे बना रही हूँ मैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया है, पहले चाय को मैं पानी में ही बॉईल करती हूँ, क्योंकि पानी में बॉईल करने से थोड़ा अच्छा कलर आ जाता है, थोड़ी चाय पत्ती में अच्छा ज़्यादा चाय बन जाती है और अच्छा कलर आता है। दूध में पत्ती डालती हैं तो कलर अच्छा नहीं आता है। तो आप लोग कभी भी बनाओ तो पहले थोड़ा सा पानी रखो, उसमें चाय पत्ती अदरक और चीनी डाल दो, फिर अच्छे से उसमें बॉईल आ जाए तब उसमें दूध डालो, फिर दूध को उबालो उसमें। एक दो मिनट तक चाय हमारी रेडी हो जाती है। तो मैं चीनी डाल देती हूँ, फिर डालूँगी चाय की पत्ती और फिर उसको उबलने दूँगी। और उसके बाद मैं अपने पराठे बनाने के लिए मैंने तवा रख दिया है गैस पे, तो गैस को चालू कर देती हूँ मैं। अब बनाऊँगी मेरे पराठे, किस तरीके से बनाती हूँ वो आप लोग भी देख लीजिए। और मैं तिकोने पराठे बनाती हूँ, अगर मेथी के पराठे हुए, पालक के, सादा पराठे हुए तो मैं तिकोने ही बनाती हूँ, और आलू के पराठे हुए ये गोल बनाती हूँ। तो इस तरीके से पहले थोड़ा सा बेल लेती हूँ, फिर उसमें लगाऊंगी मैं तेल इस तरीके से, फिर उसको पलटूंगी, फिर से तेल लगाऊंगी, फिर तो उसको दोबारा से फिर पलटूंगी, फिर उसको बेलूंगी। उससे क्या होता है कि हमारे पराठे जब फूलते हैं ना तो उसके तीन भाग अलग अलग से हो जाते हैं, आपस में अंदर चिपकते नहीं हो, अंदर अच्छे से चिपक जाते हैं, अंदर से अच्छे से पक जाते हैं। तो आप लोग भी इस तरह ज़रूर ट्राई करके देखना अपने घर पे। हर किसी की रीत अलग अलग होती है बनाने की, हो सकता है कि आपके घर पे अलग तरीके से बनता हो, मेरे यहाँ पे अलग तरीके से। तो मैं अभी तेल लगा देती हूँ, एक साइड पलट के मैंने तेल लगा दिया है, और गैस को रखूँगी मैं धीमी ही, धीमी धीमी गैस पे ही उसको सिकने दूँगी अच्छे से, जब तक मैं दूसरा पराठा बेल लेती हूँ। और
और उसको भी उसी तरीके से हमको बनाना है जिस तरीके से मैंने पहले उस पर तेल लगाया था उसी तरीके से इसको भी करना है। सारे पराठे मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो जब तक मैं बना लेती हूँ मेरे पराठे, आप लोग बताना कि आपने क्या बनाया आज अपने नाश्ते में। फटाफट से बना लेती हूँ मैं मेरे पराठे और मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से बाद में। तो बन चुके हैं मेरे पराठे, देख लो आप लोग बहुत ही अच्छे बने हैं। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट करना। मैं भी एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस। तो हम लोग करते हैं नाश्ता, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। जिस जिसको करना नाश्ता वो भी आ जाइए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।